नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सुनसान स्थानों पर मिलने वाले प्रेमी युगलों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कुछ युवतियों को वैश्यावृत्ति जैसे धंधे में उतारने की भी कोशिश करते हैं। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ऐसे गिरोहों पर कार्रवाई के लिए कानपुर के SP को पत्र भेजा है। साथ ही उन्होंने 19 वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर भेजे हैं। इसे SP ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया है। IPS अमिताभ ठाकुर के पत्र के मुताबिक रसूलाबाद क्षेत्र में सुनसान स्थानों पर मिलने वाले प्रेमी युगलों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई गिरोह संगठित होकर ऐसे काम कर रहे हैं। गिरोह के लोग प्रेमी से मिलने जाने वाली युवतियों को शिकार बना रहे हैं। वो ऐसे लोगों पर पहले से ही नजर रखते हैं। क्षेत्र के सुनसान स्थान, खाली मकान व बंद पड़े ईंट भट्टों में जाने वाले प्रेमी युगलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहां गिरोह के लोग छात्राओं और युवतियों से जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, प्रेमी युगलों से रुपए ऐंठते हैं। ऐसा करने वाले कभी खुद को पुलिस कर्मी तो कभी एंटी करप्शन टीम और कभी एंटी रोमियो टीम का सदस्य व पत्रकार भी बताते हैं। इससे प्रेमी युगल उनके झांसे में आकर शोषण कराते रहते हैं। बदनामी ना हो इसके चलते कार्रवाई के लिए शिकायत भी नहीं कर पाते। युवतियों के फोन नंबर लेकर उनसे गलत काम कराने की कोशिश की जाती है। अमिताभ ठाकुर ने जो वीडियो भेजे हैं उसमें कई ऐसे वीडियो हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। युवतियों से रुपए की मांग की जाती है, मारपीट की जाती है। साथ ही पीड़ित युवतियां रोते हुए भी इस वीडियो में कई जगह दिखाई पड़ती हैं। गिरोह के लोग इतने क्रूर हैं कि जिन युवतियों और छात्राओं को वो अकेले में प्रेमी के साथ पकड़ लेते हैं उन्हें पहले थाने चलने के लिए धमकाते हैं, साथ ही फिर उनके घर के लोगों का फोन नंबर मांगते हैं। इस पर प्रेमी युगल उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। इसके बाद शुरू होता है इनकी क्रूरता और युवतियों के साथ फिर ये गलत काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इस संबंध में कानपुर देहात के पुलिस SP का कहना है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस तरह के शोषण लगातार किए जा रहे हैं। जो भी प्रेमी युगल पार्क में या अकेले में जाते हैं वहाँ पर इस गिरोह के सदस्य पहले से ही नज़र गड़ाए रखते हैं और उन्हें वहाँ पकड़ लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का धंधा। देखना यह होगा इस पर कब लगाम लगते हैं। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।